और संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन रहा। आपको बता दें कि राज्यसभा को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी जांच की मांग को लेकर हंगामा किया है, जिसके बाद उच्च सदन को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है। उधर लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा कि 15 फरवरी तक इस नोटिस का जवाब दाखिल करें।